नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कन्नौजिया और आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कन्नौज की सराय मीरा से बाईपास पर रंजिश को लेकर दबंगों ने घर में घुसकर न्यायालय कर्मी को मारपीट कर अधमरा कर दिया। चीख पुकार सुन आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। लोगों को आता देख हमलावर धमकी देते हुए वहां से भाग निकले। पीड़ित मामले की सूचना कोतवाली में दी है। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सौरिक थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गोबरिया खजनी निवासी सुनील पुत्र नंदलाल, जो कि सराय मीरा बाईपास के निकट रहा है, सुनील कुमार न्यायालय में काम करता है। शुक्रवार की सुबह वह अपने घर पर मौजूद था, तभी दो अज्ञात लोगों ने उसके घर ढाबा बोल दिया और रंजिश को लेकर उसे गाली गलौज करने लगे। विरोध करने पर उक्त लोगों ने पीड़ित को लाठी डंडों से मारपीट कर अधमरा कर दिया। आसपास के लोगों ने बीच बचाव कर मामला निपटाया। हमलावर धमकी देते हुए वहां से भाग निकले। लोगों ने उसे बेसुध हालत में कोतवाली पहुंचाया, जहां पुलिस कर्मियों ने उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कन्नौज से सीबू सैनी की रिपोर्ट। इनको पीटा किसने? एक जनानी थी, उसने मारा था इनको, उसके बेटा और उसका घर वाले। हाँ, उनके नाम नहीं मालूम? नहीं, मैं तो कल ही आई होंगी चंडीगढ़ से। कहाँ पर पीटा? घर ही पे। घर पे आए थे? हाँ। घर कहाँ पर? घर है? घर कहाँ पर है आपका? मैं तो जैसे चंडीगढ़ रहती हूँ, अभी ये यहाँ पे घर सराय मीरा में। ससुराल का नाम मुझे ससुराल में। तो कितने लोग मारने वाले थे? ये थे दो जने और थे, इनका नाम नहीं मालूम कौन लोग थे। नहीं। आपके पति कन्नौज में रहते हैं, क्या काम करते हैं? ये कोर्ट बैंक, बस मुझे इतना पता है। कोर्ट में काम करते हैं। क्या नाम है पति का? नहीं। आप कहाँ रहने वाली हैं? मैं चंडीगढ़ रहने वाली। आपके पति कहाँ रहने वाले हैं? मेरे पति यहीं पे रहते हैं। इन पति का, आपका जो ससुराल थी पहले कहाँ थी? पहले मेरे चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में थी। ज्यादा जानकारी ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए तेजस 24 न्यूज़।